हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम संजय शर्मा है। बहुत सारे स्टूडेंट के डिमांड थे कि मैं एक पोर्ट्रेट बनाऊं, तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ कि इसे स्टार्ट करें और देखें कि पोर्ट्रेट किस तरीके से बनाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने इसको ड्रॉ किया है, क्योंकि रियल पोर्ट्रेट बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे। और आज मैं वही बनाऊँगा, एक पोर्ट्रेट 5 साल के बच्चे का। जब मैं 5 साल का था तो मुझे लगता था कि मुझे पेंटिंग करने का, ड्राइंग करने का बहुत शौक था, और शुरुआत पोर्ट्रेट से ही होता है। मैंने अपनी शुरुआत पोर्ट्रेट से ही करा। हालांकि वो पोर्ट्रेट कहना गलत है, क्योंकि वो कैरिकेचर था। ऑफ कोर्स वो कैरिकेचर ही होता है, जिसमें कि कैरेक्टर तो बिल्कुल नहीं मिलते। हाँ, आड़े तीछे ड्राइंग जरूर हो जाते हैं एक चेहरे का, ठीक है, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो मैं मानता हूँ कि शुरुआत वहीं से होता है, और फिर जैसे 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 उम्र बढ़ता है, फिर हम जब किसी फोटोग्राफ या किसी किसी सेलिब्रिटी का पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, तो लगता है कि बिल्कुल मैंने बिल्कुल सही पोर्ट्रेट बनाया। पर एक्चुअली में, लेकिन जब आप रियल टेक्निक को सीखते हैं और समझते हैं कि पोर्ट्रेट को किस तरह से ऑब्जर्व करनी चाहिए और उसकी मेजरमेंट कैसे करनी चाहिए, तब आपको गलतियां समझ आने लग जाता है।